पिछले पार्ट के से आगे आते हैं और यहाँ पे एक्टिविटी 10.6 की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे 10.6 को स्टडी करेंगे हम लोग और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बताया हुआ है कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट वन है और उसमें बोला गया है कि आप एक बीकर ले लो, टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर। और सेकेंड पॉइंट है टेक अ पीस ऑफ कॉर्क एंड एन आयरन नेल ऑफ इक्वल मास, दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। थर्ड पार्ट है प्लेस देम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, आप ऑब्जर्व करो कि क्या होता है इसके बाद। देखिए आपकी ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगा, द कॉर्क, ये जो कॉर्क है आपका, द कॉर्क फ्लोट्स वाइल द नेल स्नेल, ये वाइल द नेल क्या होगा, ये नेल आपका सिंक कर जाएगा। ये तो आपको अच्छे से पता है कि ऐसे केस में कॉर्क आपका फ्लोट करेगा और नेल जो है वो सिंक कर जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे आपको, अभी उसी चीज को आपको यहाँ पे देखना है कि क्यों ऐसा होता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ऐसा क्यों हो रहा है उसको हमें देखना है। देखिए नेल, ऑब्वियस सी बात है, नेल सिंक करने के पीछे अभी आप कहोगे कि मास ज्यादा है तो यहाँ पे वो कहना गलत होगा, क्योंकि इस जगह पे आपने जो कंसीडर किया हुआ है पहले से ही, उसमें आपने लिखा है यहाँ पे इक्वल मास, है ना। चाहे आपका पीस ऑफ कॉर्क हो चाहे आयरन नेल हो, वो दोनों की आपने इक्वल मास ली हुई है। तो अगर इक्वल मास का है तो ऐसा क्यों है कि कॉर्क आपका फ्लोट कर रहा है वाटर के लेवल पे जबकि इस नेल जो है वो नेल सिंक कर जा रहा है। तो इसका रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। डेंसिटीज किसको बोलते हैं, तो जिसमें जो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स हैं, मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड जितने होंगे वो उतना हाईली डेंस होगा। तो कॉर्क के रिस्पेक्ट में नेल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हाईली कॉम्पैक्ट वे में जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं, तो वहां पे उसकी डेंसिटी, तो द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड, देखिए किसको बोला गया है, डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपने स्टडी किया होगा तो आप समझ सकते हो, डेंसिटी को रिप्रेजेंट जब किया जाता है तो डेंसिटी को, डेंसिटी की रिप्रेजेंटेशन रो से करते हैं हम लोग, रो इक्वल टू, इसको रो पढ़ते हैं, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एम बाय वी। ये फॉर्मूला भी आप वहां पे नोट करना, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और नेक्स्ट आप देखो, ये बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। अब वाटर की डेंसिटी से कॉर्क की डेंसिटी कम है इसलिए ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क, ठीक है। सो फ्लोट्स, अब इसका मतलब है कि जिस भी सब्सटेंस पे वाटर अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा और अपथ्रस्ट फोर्स अगर ज्यादा हुआ तो वो सब्सटेंस उस पे फ्लोट करेगा, और अगर अपथ्रस्ट फोर्स उस सब्सटेंस के वेट के से कम हुआ तो वो सब्सटेंस वाटर में सिंक कर जाएगी, है ना। मैंने पहले भी बताया था आपसे, कल भी डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि हमारे उस चीज के लिए कि एक आदमी ने बहुत सारे सामान को मंगवाया था, एक आदमी विजिट किया था हमारे स्कूल में, उन्होंने बहुत सारे सामान को मंगवाया था सिर्फ इस चीज को प्रूव करने के लिए कि कौन वाटर के लेवल पर फ्लोट कर रहा है और कौन सिंक कर जा रहा है, सिर्फ इसी चीज के लिए, है ना। तो नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आप देख सक रहे हो कि द डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये सिंक कर रहा है। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर ऑन द नेल, ऑन द आयरन नेल
इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल, ठीक है, तो सो इट सिंक, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये सिंक कर जा रहा है। तो जो भी बच्चे हैं अपना एक बार जो आवाज आ रही है उसको म्यूट कर लें। देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट्स ऑन द लिक्विड, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड सिंक इन द लिक्विड। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हुई लिक्विड की डेंसिटी से तो वो लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अधिक हुई ज्यादा हुई है ना लिक्विड की डेंसिटी से तो वो लिक्विड में सिंक कर जाएगा। यहां पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन मैं आपको दिखा रहा हूं, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। देखिए, जब वो स्ट्रिप, जो भी स्ट्रिप है आपकी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मेन चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो हैविंग स्ट्रैप मेड ऑफ थिन। अगर आप स्कूल बैग की बात करो या कुछ ऐसे पॉच या थैले की बात करो जिसका स्ट्रैप जो है वो थोड़ा सा पतला होता है, तो हाथों पे क्या होता है, उसका जोर ज्यादा पड़ता है जिसके कारण हाथों पे उसके प्रेशर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो क्या करें इससे बचने के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला जो होता है प्रेशर का, आपको अच्छे से पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू F अपॉन A, है ना, तो F अपॉन A, तो एरिया आप अगर इंक्रीज कर दोगे उस जगह की तो उस समय में स्ट्रिप जो है, स्ट्रिप का प्रेशर आपके हाथों पे कम लगेगा, और जब स्ट्रिप का प्रेशर कम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या होगा, आपको ऐसा स्ट्रेस ज्यादा वहां पे प्रेशर हाथों पे नहीं लगेगा, तो आपको एरिया को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो बैग बैग्स होते हैं, बैग की स्ट्रिप थोड़ी पतली नहीं होगी, अब क्या होती है, अब थोड़ी चौड़ी इस तरह से बनाई जाती है, बैग में जब आप बैग को होल्ड करते हो तो उसकी स्ट्रिप थोड़ी सी इस तरह से चौड़ी बनाई जाती है ताकि वो आपको ये एरिया अगर बड़ा हो गया तो ये आपके शोल्डर पे कम प्रेशर एग्जर्ट करे। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन सेकेंड है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी, बॉयंसी क्या है, तो हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, इट इज द अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड और फ्लूइड ऑन द सब्सटेंस व्हिच यू वांट टू इमर्ज ऑन द लिक्विड, जिसको आप उस लिक्विड में इमर्ज करना चाहते हैं, तो उस पे जो वाटर या जो भी फ्लूइड है उस पे जो ऊपर की तरफ मतलब ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जो फोर्स लगाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी। व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक, क्यों ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है और क्यों सिंक करता है व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो इसके बारे में हमने अब यहां पे देखा ही कि आप क्लियरली यहाँ पे आप देख रहे हो, आपने खुद से ऑब्जर्व किया है कि देखिए क्या लिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड फ्लोट्स ऑन द लिक्विड, जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी वो लिक्विड पे फ्लोट करेगा, और जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी वो फ्लोट नहीं करेगा। तो बिल्कुल सारे आसान से सवाल यहाँ पे आपके पास बुक में। नेक्स्ट आपके पास है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उससे रिलेटेड हमारे हमें यहाँ पे एक्टिविटीज देखने होंगे। तो देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, एक्टिविटीज का नंबर है 10.7, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट ऑन वन एंड ऑफ द रबर स्ट्रिंग और अ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से उसको टाइट करो या फिर आप उसको स्प्रिंग से किसी रस्सी से किसी धागे से इस तरह से एक स्टोन को आप टाइट करके हैंग कर लो। सस्पेंडेड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस और स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर 10.6। फिगर हमने ऊपर देखा है, लेकिन इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद मैं फिर से स्क्रॉल करूंगा,
और आपको फिगर फिर से दिखेगा. नोट द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग. द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन. अब रीडिंग नोट करनी होगी यहां पे आपको स्प्रिंग बैलेंस की. नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन वॉटर इन द कंटेनर एज सून इन द फिगर 10.6B. तो आइए अब फिगर तो अब देखना ही पड़ेगा हमें. तो पेज नंबर 141 हम स्टडी कर रहे हैं अभी. और ये फिगर है आपका जिसमें फर्स्ट केस में आपने क्या किया हुआ है. देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में आपने इसको अपने हैंड से होल्ड किया हुआ है, स्ट्रिंग को बांध के होल्ड किया हुआ है. और यहाँ पे आप स्प्रिंग बैलेंस से भी करते तो आप यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस में जो लैब में होती है, लैब में अगर आपने नहीं स्प्रिंग बैलेंस लैब में नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पे देखते होगे. जो सिलेंडर लेके आता है वो अपने एक स्प्रिंग को लेके आता है जिससे वो मेजर करके दिखाता है कि सिलेंडर का वेट कितना है. तो वो भी वो एक स्प्रिंग बैलेंस ही है, उसमें उसकी वेट दिखती है. तो ठीक उसी का एक छोटा सा फॉर्म है जो लैब में हम लोग यूज करते हैं, वो भी स्प्रिंग बैलेंस होता है. और इस स्टोन का वेट हम वहां पे करके देखते हैं कि कितनी इसकी वेट आ रही है. फिर इसी एक्सपेरिमेंट को हम एक जार में या एक बकेट में पानी लेके इसको इसमें डिप करते हैं, देखते हैं कि जितना वेट उस समय था क्या बाद में वही वेट है. इसी की रीडिंग को हमें यहाँ पे लेना होता है कि अगर वेट आपको लग रहा होगा, और मैं समझ रहा हूँ सारे बच्चे समझ रहे हैं कि यहाँ पे वेट रिड्यूस हो गया होगा जैसे ही आपने इसको वाटर में डिप किया होगा. ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं. यहाँ पे आप अभी देखो ये जो हमारा फिगर है 10.6 ए में कहता है ऑब्जर्व द इलोंगेशन ऑफ द रबर स्ट्रिंग ड्यू टू वेट ऑफ अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड इट इन एयर. इसको आपने जब एयर में सस्पेंड किया हुआ है तब ये पूछा है, तब का ये डायग्राम है. और जब इसको वाटर में डीप करोगे तब की इलोंगेशन की रीडिंग भी आप देखोगे. द इलोंगेशन डिक्रीजेस. माय गॉड, इसने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे जितनी इलोंगेशन पहले फर्स्ट केस में थी, फिगर ए में थी, बी में इसकी इलोंगेशन डिक्रीज कर गई है. अगर इसकी लेंथ को भी देखा जाए तो यहां से यहां तक की लेंथ और इसकी लेंथ इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम दिख रहा है. एज द स्टोन इज इमर्ज्ड इन वाटर, जैसे ही स्टोन को आपने वाटर में इमर्ज किया इसकी इलोंगेशन डिक्रीज हो गई है, ये यहां पे बता रहा है. ठीक है, चलिए ऑब्जर्व करने की बात है तो क्या ऑब्जर्व आप कर रहे हो उसके ऊपर देख लेते हैं. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द बैलेंस. स्ट्रिंग की इलोंगेशन को ऑब्जर्व करना है और रीडिंग देखनी है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग बैलेंस की रीडिंग हमें देखनी है. बस ये दो चीज हमें यहाँ पे देखना है, उसी से हमारी ऑब्जर्वेशन मिलेगी. तो चलिए देखते हैं. यू विल फाइंड, आप देखो, यू विल फाइंड दैट द इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर्ड इन द वॉटर. जैसे ही आपने उसको पानी में डाला स्टोन को, तो स्ट्रिंग की इलोंगेशन भी डिक्रीज कर गई और जो रीडिंग आ रही थी वो भी डिक्रीज कर गई. हाउएवर नो फर्दर चेंज इज ऑब्जर्व वंस द स्टोन गेट फुली इमर्ज इन द वॉटर. एक बार अगर पूरा पूरी तरह से वॉटर में डूब गया तो उसके बाद मतलब उस सरफेस पे चला गया जिसमें आपने डिप किया हुआ है, तो उसके बाद उसके रीडिंग में कोई चेंजेस नहीं आनी है. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिक्रीज इन द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस? क्या आप ऑब्जर्व कर पाया आपने, क्या आपको समझ में आया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए, वी नो दैट द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग और द स्प्रिंग बैलेंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन. फर्स्ट केस में जब आप, जैसा फिगर ए में हमने देखा था, जब आप उसको क्या कर रखे था, आपने उसको होल्ड कर रखा था एयर में स्ट्रिंग को, तो उसमें आपको क्या मिला, उसमें आपको ये मिला, आपने देखा कि वहां पे जो एक्चुअल वेट है उसकी
स्टोन की, वो वेट आपको वहां पे देखने को मिलेगी। सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेज वंस द स्टोन इज लोअर्ड इन वाटर, है ना, इट रिमेन्स, इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट्स ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए स्टोन को जब तक आपने एयर में होल्ड कर रखा था तब तक तो सारा फोर्स नीचे लग रहा था उसकी वेट के कारण, लेकिन जैसे ही उसमें डाला पानी में तो उसका वेट कम आपको लगा, स्ट्रिंग की इलोंगेशन कम हो गई, दोनों ही डिक्रीज हो गए। इससे साफ पता चलता है हमें कि बिल्कुल कोई एक ऐसा फोर्स है जो उसके वेट के अगेंस्ट लग रहा है, और वो फोर्स जो वेट के अगेंस्ट लग रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है इस दोनों को डिक्रीज करने में, इलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग और रीडिंग दोनों को डिक्रीज करने में वो काफी हेल्पफुल है। तो वो फोर्स जो है उसी को आप क्या बोलोगे, बॉयंट फोर्स या फोर्स ऑफ बॉयंसी। एज अ रिजल्ट द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेज एंड हेंस द एलोंगेशन ऑल्सो डिक्रीजेज। दोनों ही चीज यहां पे डिक्रीज कर गई जैसा मैंने अभी आपको बताया भी। और फाइनली आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय वाटर इज नोन एज फोर्स ऑफ बॉयंसी। जी हाँ, इसी को फोर्स ऑफ बॉयंसी बोलते हैं, है ना, जो इसके अगेंस्ट लग रहा है। तो अभी यहां पे क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि हमसे, हमारे से पूछा गया था कि फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होती है, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय द बॉयंसी, क्या बॉयंसी का मतलब है। तो बॉयंसी का मतलब आप यहां से भी इसके बारे में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट आप पेज में देखोगे ये बताया गया इसी में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी, क्या किस तरह की मैग्नीट्यूड को एक्सपीरियंस करता है बॉडी, बॉयंट फोर्स की किस तरह की मैग्नीट्यूड को बॉडी एक्सपीरियंस करता है। इज इट द सेम इन ऑल फ्लूइड फॉर अ गिवन बॉडी, क्या जितनी भी फ्लूइड दी हुई है सबके लिए ये सेम है। डू ऑल बॉडीज इन द गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बॉयंट फोर्स, क्या सर जितनी भी बॉडीज हैं फ्लूइड में जो भी आप इमर्ज कर रहे हो सबके लिए बॉयंट फोर्स सेम होगा क्या। तो द आंसर टू दीज क्वेश्चन पेज नंबर ये 142 में हमें मिलेगा। तो ये सब चीज सेम है या नहीं है इसे तो हमें यहाँ पे देखने के बाद ही हमें पता लगेगा। फिलहाल हम पेज पे आते हैं और वहां पे हम इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये पेज 142 मैं आपके लिए यहाँ पे दिखा रहा हूं, ठीक है, तो यहां से हम समझ पाएंगे इस चीज को। आइए यहां से ही हमें पेज का ये स्टार्टिंग यहां पे है, यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं। कंटेन इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट एज फॉलोज, जो उस क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे कि क्या सब पे बॉइंट फोर्स सेम होगा, क्या सारी बॉडी उसी तरह का फोर्स एग्जर्ट फील करेगी एक्सपीरियंस करेगी, सब लिक्विड जिसको भी आप लिक्विड में डालोगे सब में सेम टाइप का फोर्स लगेगा, उसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल साहब ने दिया था। उन्होंने ये बताया कि कोई भी बॉडी, है ना, क्या बताया उन्होंने कि आपकी जो बॉडी है जिसको भी आप इमर्ज करते हो इसमें वाटर में इमर्ज करते हो, ठीक है, देखिए यहां पे When a body is immersed fully or partially, मतलब या तो थोड़ी सी आप डिप करो या पूरी तरह से डिप करो उसको लिक्विड में, इन फ्लूइड में, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब कोई भी सब्सटेंस है उसको जब आप लिक्विड में इमर्ज करोगे ना तो वो क्या करेगा, वो उस जगह से लिक्विड को थोड़ा हटाएगा, तभी तो अपनी जगह बनाएगा ना। आप भी कहीं अगर घर में 5 लोग बैठे हुए हैं तो आप क्या करते हो, अपनी जगह बनाते हो, तो आप उसके बीच में घुस के थोड़ा सा इधर उधर सबको हटाते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे भी लिक्विड या फ्लूइड क्या करता है, जैसे ही किसी सब्सटेंस को आप लिक्विड इस फ्लूइड में इमर्ज करोगे तो वो वहां पे अपनी जगह बनाएगा,
ठीक है, और जगह बना के आसपास की ऑब्जेक्ट, तो आसपास की जो लिक्विड है उसको वहां से वो डिस्प्लेस करता है। तो ऐसे केस में वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, है ना। जैसे आप जब सेट होते हो परिवार के कुछ लोगों के बीच में, तो वो कुछ इधर से पुश करता है, वो उधर से पुश करता है, तो आपको लगता है कि यार कैसे, थोड़ा सा आपको भी एक एक्सपीरियंस होता है फोर्स वहां पे, तो यहाँ पे भी एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उस सब्सटेंस को, उस फ्लूइड के थ्रू। और वो फोर्स जो आप एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, वो एक ऊपर की तरफ लगने वाला, जो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर डिस्प्लेस करेगा। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई अ फर्दर डिक्रीज इन द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग वॉज नॉट ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 10.7। देखिए, अब 10.7 की एक्टिविटीज क्या है, उसके बेसिस पे ये पूछ रहा है कि आप उसके बाद की इलोंगेशन को क्यों नहीं आप एक्सप्लेन कर सकते, है ना। ये पूछा है डिक्रीज इन द इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग, बाद में और भी अगर डिक्रीज हो रही है, जैसे आप वाटर के अंदर इमर्ज कर रहे हो, फुल्ली इमर्ज कर रहे हो, तो हो सकता है और भी डिक्रीज हो रही हो, तो उसको एक्सप्लेन आप क्यों नहीं कर सकते। तो एज द स्टोन वॉज फुली इमर्ज इन वॉटर, उस समय की बात कर रहा है। तो देखिए, आर्किमिडीज साहब जो थे वो ग्रीक के जाने माने साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने डिस्कवर किया था इस प्रिंसिपल को, और उसके बारे में बहुत सारी चीजों को आइडिया दिया था उन्होंने। ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल सब्सिक्वेंटली नेम्ड आफ्टर हिम, इन्हीं के नाम पर ये नाम दिया गया इनको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नोटिस दैट, उन्होंने क्या नोटिस किया, द वॉटर इन बाथटब ओवरफ्लोड वेन स्टेप इन टू इट। जो बाथटब है, बाथटब में अगर कुछ जैसे पूरा ओवरफ्लो हो गया, कंप्लीटली फिल हो गया, उसमें कुछ इंटर किया आपने, कुछ सब्सटेंस को डाला, तो क्या होता है वहां से। अब देखो, आप समझना, एक कंटेनर में आपने पूरा भर के पानी ले लिया, पूरी तरह से वो लेवल अब पूरा पानी से भरा हुआ है, और उसके बाद आप उसमें क्या करते हो, अब वो ऐसा है कि वो थोड़ा सा भी उसमें आप कुछ डालोगे तो वो सब्सटेंस जो है उसमें चला जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। तो आप क्या करो, उसके नीचे जिस तरह से कप और प्लेट लेते हो ना, तो कप और प्लेट ले लो एक तरह से, और कप में आप चाय भरते हो, तो पूरी तरह से कप को चाय से पूरे ऊपर तक फिल कर दो, और एक बूंद भी चाय उस प्लेट में ना गिरे। उसके बाद आप क्या करो, आप उसके बाद उसमें जो है ना, जैसे शुगर डाल दो, तो शुगर डाल दो, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अमाउंट का जो चाय है वो प्लेट में जाके गिर जाएगा, डेफिनेटली गिरेगा। तो इसका मतलब है उस शुगर ने, वो शुगर जो आपने डाला है, वो क्या किया, उतने अमाउंट ऑफ लिक्विड को वहां से डिस्प्लेस कर दिया। उतना अमाउंट ऑफ लिक्विड कहाँ चला गया, आपके उस प्लेट में। तो इसी के बारे में उसने बोला कि अगर थोड़ा सा डालोगे तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा, और पूरा डालोगे तो पूरा का पूरा वहां पर से लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा। ही रैन थ्रू द स्ट्रीट शाउटिंग, अभी गलियों में वो दौड़ता हुआ, यूरिका की गलियों में वो दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए दौड़ते गए, विच मीन्स आई हैव गॉट इट। उनका उनको लगा कि यार मैंने तो कुछ जानकारी मुझे मिल गई। दिस नॉलेज हेल्प हिम टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इन द क्रॉन मेड ऑफ द किंग। और उनके इस नॉलेज से, इस नॉलेज ने उनको जो वहां का जो राजा था, उसके क्रॉन में, उसके क्रॉन मतलब उसके मुकुट में जो जो चीजें, जो जिस तरह की गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, इसको डिटरमाइन करने में उन्होंने बहुत हेल्प उनको मिला। हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स मेड हिम फेमस। देखिए, ज्योमेट्री और मैकेनिक्स में भी इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, और इस कारण से इनको बहुत पॉपुलरिटी भी मिली। हिज अंडरस्टूड ऑफ लीवर पुली, लीवर पुली के केसेस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, एससी वर्मा की बुक में आप बहुत सारे देख सकते हो। व्हील्स एंड एक्सेल हेल्प द ग्रीक आर्मी इन इट्स वॉर विद रोमन आर्मी। ग्रीक और रोमन के बीच की लड़ाई पुरानी है, तो उसमें इनको बड़ा हेल्प मिला वहां पे, अपने जो बहुत सारे एपरेटस को तैयार करने में, मतलब फाइटिंग एपरेटस जिसको आप बोल सकते हो।
नेक्स्ट आप देखो यहां पे क्या है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मैनी एप्लीकेशंस, इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन्स, लैक्टोमीटर्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क, एंड हाइड्रोमीटर used for determining the density of liquid are based on this principle. तो ये सारे प्रिंसिपल हैं जिसको यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिला आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आने के बाद. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी हैं, देख सकते हो आप. यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेट वेइंग मशीन. अगर आपका मास कितना दिख रहा है 42 kg, ठीक है, तो Is your mass more than or less than 42 kg? आपका मास ज्यादा है या कम है 42 kg से? देखिए, ये बड़ा ही आसान सा और अच्छा सा सवाल है कि if you find your mass to be 42, आप मास नहीं फाइंड करते, आप वहां पे क्या फाइंड करते हो, आपको वेट मिलता है W. W इक्वल टू क्या होता है? mg. अगर आप बोलते हो ना कि नहीं जी मुझे मास बता दो, तो m आपको निकालना पड़ेगा. m इक्वल टू कितना होगा? 42. m इक्वल टू, देखिए यहां से मैं फॉर्मूला लिखता हूँ. m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, मैं लिख रहा हूँ m इक्वल टू, देखिए दिस m इक्वल टू w बाय g. तो w कितना है आपका? वेट 42 का है, तो 42 अपॉन g, g 9.8 लेते हो, है ना. तो 42 डिवाइडेड 9.8 अगर आप कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपका मास मिल जाएगा. तो 42 डिवाइडेड 9.8 कितना होता है बेटा, पता है क्या? जरा करके देखो. जी हाँ, 42 डिवाइडेड 9.8, मतलब ऐसे तो 9.8 की जगह पे बहुत बार हम लोग 10 को भी इस्तेमाल कर लें, तो लगभग ये 4.28 के लगभग आ जाएगा. ऐसे 4.28, तो इस तरह की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है. तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. तो ये तो है ही. उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखिए. यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन, कॉटन का बैग है आपके पास, एंड एन आयरन बार. आयरन का बार, आयरन बार इस तरह का होता है ना, इस तरह का आयरन बार बना हुआ होता है. तो एक बैग है और एक आयरन बार है, दो चीज आपको दे दी गई. इच इंडिकेटिंग अ मास 100 kg, दोनों का मास 100 kg है. व्हेन मेजर्ड ऑन अ वेइंग मशीन, इन रियलिटी वन इज हैवियर देन अदर, ठीक है, एक तो ज्यादा हैवी होगा. कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड व्हाई? तो हैवियर तो ये होगा बार, क्योंकि इसकी एरिया कम है बैक से, है ना. तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, बोला था मैंने कि प्रेशर पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है एफ बाय फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स एफ की जगह पे आप एम जी लिख सकते हो, mg दोनों के लिए सेम है, और एरिया की बात है, तो एरिया जो है आपका बार का एरिया कम होगा. तो एरिया अगर बार मैग्नेट का कम होगा तो उसकी प्रेशर ज्यादा होगी. तो वहां पे आपको पूछा गया है कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड व्हाई, तो हैवियर आपको बार मैग्नेट होगा. क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट जो है उसकी एरिया आपको कम होती है, उसके कारण वो आप पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा. चलिए यहां पे 10.7 रिलेटिव डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है. देखिए रिलेटिव डेंसिटी बेटा क्या होता है, तो एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो कभी वाटर से कम होती है, जैसे मैंने बताया जो वाटर से कम होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है वो सिंक कर जाता है. इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अलग अलग हुई, तो उसको दोनों को कंपेयर करना ही रिलेटिव डेंसिटी, इन शॉर्ट आप समझ लो ये समझा जाता है. As you know, the density of substance is defined as the mass of a unit volume. Mass per unit volume मैंने discuss भी किया था. Sir. जी हाँ. Sir, हिंदी की class का time हो गया. Okay, कोई बात नहीं. दो मिनट आप रुक जाओ. मैं class over कर देता हूँ. Next class में इसको continue करेंगे हम लोग. ठीक है. तो मैं end कर रहा हूँ.